इंदौर में कांग्रेस को धोखा देने वाले अक्षय कांती बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कोर्ट ने उनके खिलाफ 307 के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने अक्षय कांती बम को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस का सहयोग करने का बेड़ा उठाया है। कांग्रेस ने 55 सदस्यीय निगरानी उड़न दस्ते का गठन किया है। इसका काम केवल इतना है कि यह दस्ता केवल अक्षय कांती बम की खोजबीन करेगा और अक्षय कांती बम के मिलने पर पुलिस को तुरंत लोकेशन और जानकारी साझा करेगा। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का भगोड़ा लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार और धारा 307 का आरोपी अक्षय कांती बम, जिसने कांग्रेस पार्टी की पीठ पर छुरा भोंका है, इस धोखेबाज और गद्दार को गिरफ्तार करवाने के लिए कांग्रेस ने इस टीम का गठन किया है। लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय बम को गत दिनों कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास धारा 307 की धारा बढ़ाई गई थी, जिस पर अक्षय बम को 10 मई को कोर्ट में पेश होना था, मगर वे पेश नहीं हुए। इंदौर में ही कई जगह और इंदौर के आसपास प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए, तभी कोर्ट ने उनके पेश नहीं होने पर उन्हें सरेंडर होने के आदेश दिए और उन्हें गिरफ्तारी के आदेश दिए कि वे शीघ्र ही सरेंडर हों। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से धोखेबाजी करी और उसके अलावा धोखा देकर कांग्रेस पार्टी के पीठ पर छुरा घोंपा, इसको लेकर इंदौर कांग्रेस द्वारा जो है 55 सदस्यीय कमेटी का पुलिस को सहयोग करने के लिए, निगरानी करने के लिए कांग्रेस जनों की 55 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर भी बांटने शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को अक्षय कांती बम से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो तुरंत कंट्रोल रूम को बता सके।